केंद्र और बंगाल सरकार का टकराव जारी। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली आने की संभावना कम। सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार अल्पन को रिलीव नहीं कर रही। केंद्र सरकार का अल्पन बंदोपाध्याय को आज सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश। सूत्रों के मुताबिक वो आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने शनिवार को पीएम मोदी से अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला वापस लेने का अनुरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप भी लगाया। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को निपटाने की कोशिश तेज। आज सोनिया गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी से दिल्ली में मिलेंगे पंजाब के 25 विधायक। फिर कमेटी की सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू से अलग अलग होगी मुलाकात। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष का आज लखनऊ दौरा। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में आज से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। पहले हफ्ते में फैक्ट्री खोलने और निर्माण गतिविधियों को ही इजाजत। बाकी पाबंदियां 7 जून तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। यूपी के 55 जिलों में कर्फ्यू में राहत का ऐलान। कल से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। शनिवार रविवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 600 से ज्यादा मरीजों वाले जिलों में एक हफ्ते और जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। एमपी में अनलॉक। राशन, दूध और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 2 लोगों की बैठने की इजाजत। धार्मिक स्थल में 4 लोग और अंतिम संस्कार में 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति। हरियाणा में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाने का ऐलान। दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, शर्तों के साथ सीमित संख्या में मॉल्स खोलने की भी इजाजत। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील। प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सभी 20 जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 15 जून तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में 7 जून तक बढ़ा कर्फ्यू। आज से हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सभी सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन तक बढ़ाया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, कई जिलों में संक्रमण अभी काबू में नहीं, सख्त लॉकडाउन नहीं, थोड़ी पाबंदी की जरूरत। बिहार में एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ने के आसार। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में होगा फैसला। लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिलने की उम्मीद। राजस्थान में भी 8 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, लेकिन कुछ राहत मिलने की उम्मीद। आज हो सकता है ऐलान। तेलंगाना में 10 दिन और बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी छूट। तमिलनाडु में भी 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। कर्नाटक और पुदुचेरी में भी 7 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन का राज्य में 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कहा, लगातार 3 दिन तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15% से नीचे आने पर लॉकडाउन हटेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ओडिशा सरकार का लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। राज्य में 17 जून की सुबह तक रहेंगी पाबंदियां। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भी लॉकडाउन बढ़ा। नागालैंड और मणिपुर में 11 जून तक रहेंगी पाबंदियां। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 7 जून तक तो मिजोरम में 6 जून तक लॉकडाउन। देश में लगातार 3rd दिन कोरोना के 2 लाख से कम नए केस। एक दिन में 1,65,553 मरीज मिले। 3,460 मरीजों की मौत। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बड़ी कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने की दर 91% हुई। दिल्ली समेत कई राज्यों में संक्रमण दर 5% से नीचे। दिल्ली में लगातार 2rd दिन कोरोना के 1,000 से कम मामले। 24 घंटे में संक्रमण के 946 मरीज मिले। 78 मरीजों की मौत हुई। यूपी में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट। एक दिन में 1908 केस मिले। 140 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से राहत। 24 घंटे में 2000 से कम केस सामने आए। 25 लोगों की कोरोना से गई जान। बिहार में कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना का ऐलान। अनाथ बच्चों को 18 साल तक हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देंगी नीतीश सरकार।
मध्य प्रदेश सरकार को कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए प्रति महीने मदद का ऐलान। हर महीने राशन और फ्री शिक्षा देगी शिवराज सरकार। देश में अगले महीने कोरोना टीके के 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। 6 करोड़ 9 लाख टीके राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, कहा जून में हम 10 करोड़ वैक्सीन की डोज सरकार को देंगे। हमारे कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का दावा, कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज काफी है। प्रोफेसर चौबे ने पीएम मोदी को लिखा खत और जानकारी दी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कांग्रेस पर निशाना, ट्विटर पर लिखा पहले कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, अब उन्हीं कंपनियों से ज्यादा वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। देश में कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद एक और बीमारी की आशंका, बच्चों पर बन रहा है MIS-C सिंड्रोम का खतरा, पेट दर्द, चेहरे पर सूजन, सांस लेने में परेशानी, आंखें लाल होना, शरीर पर रैशेज जैसे लक्षण दिख सकते हैं। केरल में कोरोना का प्रकोप जारी, एक दिन में 19,894 नए केस मिले, 186 लोगों की गई जान। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे दफनाए गए शव पानी में बहते दिखे, संक्रमण का खतरा बढ़ा, तस्वीरें आई सामने। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी में संक्रमित का शव फेंकने का मामला आया सामने, पुलिस ने शव फेंकने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुल से नदी में शव फेंकने का वीडियो वायरल हुआ था। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर भी होगी सुनवाई, सर्वोच्च अदालत ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है, एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर भीड़ पर नियंत्रण की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर होनी है सुनवाई, दिल्ली की सीमा से किसान प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना और ब्लैक फंगस के मामले पर सुनवाई, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर केंद्र सरकार को देना है जवाब। सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आज आ सकता है आदेश, कोरोना काल में निर्माण कार्य फिलहाल रोकने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा परीक्षा पर जल्द फैसला लेंगे, पीएम मोदी से पूरे देश में परीक्षा को लेकर एक पॉलिसी बनाने की अपील की। मुंबई में आज दूसरी मेट्रो लाइन का ट्रायल रन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे दिखाएंगे हरी झंडी, डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रहेंगे मौजूद। मुंबई में मंत्रालय में बम होने की सूचना फर्जी निकली, नागपुर के सागर काशीनाथ ने फोन करके मंत्रालय में बम होने की सूचना दी थी, मामले की जांच जारी। 1971 युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना मना रही है स्वर्णिम विजय वर्ष, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह करेंगे संबोधित। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे संभालेंगे सेना की पूर्वी कमान के नए कमांडर का पद, अभी अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। महाराष्ट्र के पालघर में गेल कंस्ट्रक्चर से तेल रिसाव के बाद तेल सुरक्षित निकालने का काम तेज, ताउते तूफान के समय गेल कंस्ट्रक्चर समुद्र में फंस गया था। हरियाणा के भिवानी ने बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट को किसानों ने दिखाए काले झंडे, सरकार के 7 साल पूरे होने पर बिरही कला गांव में मास्क सैनिटाइजर बांटने जा रही थी। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तेज, दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा भारत का प्राइवेट जेट। एंटीगा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन का दावा, गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर डोमिनिका गया था मेहुल चौकसी, ब्राउन ने एक रेडियो चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत से बातचीत के लिए रखी अजीबोगरीब शर्त, कहा जम्मू कश्मीर में पहले की स्थिति बहाल हो। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने फिर खोला मोर्चा, 4 जुलाई से 11 दलों के गठबंधन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP का देश भर में आंदोलन।
फ्लोरिडा में भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोगों की मौत, 20 से 25 लोग घायल। खबरों के मुताबिक तीन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। हमास के बाद अब आतंकी संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इसराइल को दी धमकी, कहा हमारे किसी भी कमांडर को मारा तो तेल अवीव पर तुरंत बमबारी शुरू कर देंगे। कनाडा के पीएम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बच्चों के सम्मान में सभी सरकारी इमारतों के झंडे आधे झुकाने के लिए आदेश दिए। एक आवासीय स्कूल से 200 से ज्यादा बच्चों के दफन शव मिले थे। वियतनाम में मिला हवा में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट, माना जा रहा है सबसे ज्यादा घातक, वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कोरोना का कहर, बांग्लादेश में 6 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल में गर्लफ्रेंड कैरी साइमन से सादे समारोह में रचाई शादी। 56 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की। पीएम बोरिस और कैरी साइमन्स की उम्र में 23 साल का अंतर है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने कर्नाटक के उसके घर से किया उसे गिरफ्तार। एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू सहायक केशव और नीरज की हो सकती है गिरफ्तारी। एनसीबी की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने खोले राज, कहा केशव और नीरज ही ड्रग्स लाकर देते थे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की तस्वीर को फिल्म मैगजीन स्टार डस्ट ने कवर पेज पर छापा। सोनू ने ट्वीट कर कहा शुक्रिया, वर्षों पहले इस मैगजीन ने उनके फोटो को रिजेक्ट कर दिया था। सलमान खान को लेकर कमाल आर खान और मीका सिंह में जुबानी जंग। केआरके ने मीका सिंह को कहे अपशब्द, सिंगर का पलटवार, कहा मैं करण जौहर या अनुराग कश्यप नहीं उसका बाप हूं। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बेटे अरिन ने फ्लाइंग कलर्स के साथ हाई स्कूल पास किया। माधुरी ने सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी, लिखा राम और मेरे लिए ये प्राउड मोमेंट है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, भूमि और तापसी समेत कई सितारे देंगे धरती का दिल बचाने का संदेश। यूएन के सहयोग से बन रहा म्यूजिक वीडियो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।